देखिए, इसमें भी ब्रेकआउट आने जा रहा है। इजी ट्रिप करीब इसमें 7 करोड़ 84 लाख का वॉल्यूम आया हुआ है आज। ये इसका आ गया डेली चार्ट। अब देखिए यहाँ पे डायवर्जन तीनों में आ रहे हैं। ये जब तीनों में आते हैं तो बिल्कुल कंफर्म अप ट्रेंड है और अच्छा खासा अप ट्रेंड आएगा। ये 44 45 रुपए है ना, 45 के डबल होंगे 90। बिल्कुल होंगे ही होंगे। और पीछे और अच्छे दिख रहे हैं डाइवर्जेंस। एक देखिए यहाँ से ही डाइवर्जन शुरू हो गए हैं। एक दो फिर ये तीन, तीन डाइवर्जन डेली चार्ट पर दिख रहे हैं। फिर आते हैं वीकली पे। चार्ट अभी छोटा है लेकिन वीकली में भी आप देखोगे वीकली का डाइवर्जन होना और अच्छी बात है। बहुत आराम से 100% का मूव आने वाला है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। यहाँ हैकेनेशी पे ये डाइवर्जन दिखा वरना गायब कर दिया गया। बाकियों पे डाइवर्जन दिख रहे हैं, RSI पे भी, इस पे भी, हैकेनेशी लगाने पे, तीनों पे दिख रहे हैं। जब गिरावट होनी थी तो गिरावट गिरावट के डाइवर्जेंस बने थे, उसके बाद गिरता रहा। पूरा 1 साल ये शेयर गिरा है, 1 साल गिरावट में बना ही रहा है। अब देखिए इसमें मार्केट कैप काफी बड़ा है, 7 हजार करोड़ से बड़ी कंपनी, 7,332 करोड़ की कंपनी। कर्ज मुक्त ही समझिए इसको, कर्जा कुछ नहीं है। ईयरली में प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, हर साल प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं और उसके बावजूद इसको गिराया है इन्होंने। ईयरली में नेटवर्थ भी बढ़ रही है। ईयरली में रेवेन्यू तो इस साल बहुत ही तगड़ा बढ़ा, डबल के करीब हो गया है। रेवेन्यू इस साल इनका काम चल रहा है, अच्छा चल रहा है क्वार्टरली वाले। अब ये प्रॉफिट्स में भी हैं, प्रॉफिट्स बढ़ते जा रहे हैं इनके। सितंबर का जो ये आया है इन रिजल्ट पिछले 3 महीने का, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स आए हैं। यही सब कारण है कि अब जो है इंटरेस्ट आ गया है बड़े लोगों का इसको लेने में। तो प्रमोटर 65% है, रिटेलर 29-30% ठीक है, और करीब 2.5% लिए हैं DIIs, FIIs और म्यूचुअल फंड। ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो मल्टी बैगर बनेगा आगे चल कर, इसको हल्के में मत लीजिएगा। इजी ट्रिप प्लानर लिमिटेड, अब डिलीवरी का क्या इसमें दिख रहा है? यहाँ पे 40 40 20 में 50 आई, फिर 40, और यहाँ पे वो उसकी कंबाइंड डिलीवरी ट्रेडेड वॉल्यूम करीब 17 18 हज़ार की क्वांटिटी उठाई जा रही है इसमें। सत्रह हज़ार 922 की क्वांटिटी है। और यहाँ पे भी जो दिख रही है 45 44 40% की डिलीवरी दिख रही है। वॉल्यूम काफ़ी हैवी दिख रहा है, 2 करोड़, 1 करोड़, 3 करोड़, 2 4, आज तो 9 करोड़ के करीब आ गया है वॉल्यूम। ये आपका इसमें परसेंटेज ही आता है, क्वांटिटी नहीं लिखते। ₹10 लो था, ₹10, ये 2021 में ही था।
और हाई इसने अभी बनाया है 22 के नवंबर में, अभी आगे के लिए फिर चलने जा रहा है। वहाँ से गिरा ये करीब 40% टूटा वहाँ से। हाँ करीब 400% भागा था ये, 40% ही गिरा। एनालिस्ट कुछ भी नहीं बोल रहे, ये यहाँ पे डिटेल में दिखता है। डीआईएस जो है ढाई परसेंट के आसपास है, इसमें दिख रहा है डीआईएस इसमें खरीदारी शायद कर रहे हैं, क्योंकि डीआईएस का जो है परसेंटेज बढ़ता हुआ दिख रहा है होल्डिंग में। डीआईएस की चाल अलग होती है, उनको पहचाना जा सकता है, उनकी चाल अलग तरीके की चार्ट पे आती है, और उसका तरीका है। हाँ ये डीआईएस है, ये डीआईएस इसी तरीके की कैंडल्स बनाते हैं, और उनका पैटर्न आराम वाला रहता है, उसमें वो स्पीड नहीं होती खरीदारी में जो स्पीड एफआईआईज में होती। क्योंकि एफआईआईज के पास बहुत बड़ा पैसा है, डीआईएस के पास उतना बड़ा पैसा नहीं है। जो भी लगाएंगे 6 महीने में डबल हो जाएगा। इसमें जिस तरीके के मुझे चार्ट में और इंडिकेटर्स में सिग्नल मिल रहे हैं, जैसे चार्ट इंडिकेटर के साथ ऑन होल जो उसके स्ट्रक्चर बन रहा है, वो ये बता रहा है कि 4 5 महीने 6 महीना, 6 महीने के अंदर ये 90 रुपये पहुंचने वाला है। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी इसका देखते हैं क्या है। इसको अंदर करते हैं, ये है डेली चार्ट। इसका हाई जो है बस वो 73 रुपये है अभी। अब इसमें बड़ी चाल आने वाली है, और ये जानबूझ के इन्होंने गिराया है, जिससे कि कमज़ोर लोगों को बाहर निकाला जा सके, पब्लिक को आउट किया जा सके। कब से ये खेल कर रहे थे, 1 साल इन्होंने, पूरा 1 साल इसको गिराया, और अब जिस तरीके का ज़बरदस्त बहुत हैवी वैल्यू मारा है, उस तरीके से ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। ये जो अपना हाई है इसको भी तोड़ ताड़ के खत्म कर देगा, इसके भी ऊपर जाने वाला है। और इसमें एक और चीज देखने वाली है, इसका आरएसआई 74 75 चल रहा है, तो ये Formula 1 की रफ्तार से ऊपर जाने वाला है, ये धीमे धीमे नहीं चढ़ेगा। ADX कह रहा है अभी चौपी मार्केट में, लेकिन चौपी मार्केट में नहीं है। MACD का जो है आगे मुंह खुल गया है, क्रॉसओवर भी हो चुका है, यहाँ पर भी स्टोकेस्टिक ने भी सिग्नल दे दिया है, और तो ये जो है बहुत तेज रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जाएगा। RSI इसका जो है 74.5 है, तीन डाइवर्जेंस हैं, जब तीनों का कॉम्बिनेशन है तो कोई उसको फेल नहीं कर सकता, उस अप ट्रेंड को फेल नहीं किया जा सकता। अब देखिए कितने धीमे धीमे परसेंटेज बढ़ रहा है, 5% 5.5 5.75 6,
ये DIS का वैल्यू है, उनकी चाल, उनके कैंडल्स मैं पहचानता हूँ। जब छुट्टी पे जाते हैं FIS तब इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, दिसंबर लास्ट और जनवरी में। ये भी एक नगीना ही है, भविष्य के स्टॉक्स हैं ये।